हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे RRC ग्रुप डी लेवल 1 में जो चल रहा है अपडेट, उसमें बहुत लोगों का क्वायरी आ रहा है। मेरा 1 ईयर का कोर्स है, किसी का 2 ईयर का ITI है, कैसे मालूम होगा और पोस्ट प्रायोरिटी क्या होगा, क्या क्या कंडीशन बन सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर ITI कंपल्सरी हो गया तो 10th रहेगा तो सब लोग अब ITI या BA या PhD जो भी किए हैं आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर 10+ ITI रहा, उन लोगों का क्वायरी है, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे कवर करना इस वीडियो में ज़रूरी है। हमने 2010 2013 जो जो पुराना नोटिफिकेशन लिखा, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और लिखा हुआ था, होता था 10th। और 2018 में पहली बार ऐसा किया गया जिसमें ITI को प्लस किया गया, नोटिफिकेशन भी निकली। 2019 में निकली, नोटिफिकेशन भी निकली, बाद में हटा दिया गया और वेबसाइट पे एक पब्लिश कर दिया गया। कौन सा नोटिस, जो आप सिकंदराबाद वगैरह जहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा आप उसको दिखा दूँ कई जगहों पे, कि आपको अटेंशन ऑफ कैंडिडेट जो रेलवे में जॉब करने के लिए लेवल 1 के चाहते हैं, उसके लिए हमने अभी तक जो छूट दी है 2019 और 2018 में, पहले 18 में लिख के आया था, फिर 2019 में आया था, वो केवल इसी बार तक है। और वाला कहानी, अब आगे जो होगा 10+ ITI लगेगा या 10+ ये लगेगा आगे के एग्जामों में, अब हम छूट नहीं दे सकते, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल टेलीकॉम और ये चारों पांचों टेक्निकल डिपार्टमेंट में, बाकी सारा पोस्ट 3 के पे आधार पे होगा। अब ये ऐसा 2018 में हुआ था, 2019 में वैकेंसी आई, वो बदल गया। हालांकि यहाँ जब फाइनल जो नोटिस डाला था उसमें लिख दिया कि 2/18 और 1/19 में हमने बेनिफिट दिया है, वो आगे अब हम नहीं देंगे। लेकिन इससे 2-3 चीज़ें आपको क्लियर करना होगा। जैसे पुराना नोटिफिकेशन में देखेंगे तो पुराना नोटिफिकेशन, जैसे 2013 का नोटिफिकेशन आपके सामने निकाल रहे हैं, 2013 में आपका जो ये आता था, ये RRC ग्रेड पे वाला जो 5200 का इनका होता था, पहले 4600 5000 ऐसा वैकेंसी आता था, जिसमें हेल्पर, पोर्टर, ट्रैकमैन और ये वाला पोस्ट आता था। फिर बाद में ये पोस्ट 17 तक बढ़ गए, क्योंकि डिमांड के हिसाब से, रेलवे का विस्तार के हिसाब से। उसमें क्लियर लिखा हुआ रहता था 10th पास और ITI दोनों है, अगर 10वीं है तभी चलेगा, ITI है तभी चलेगा। लेकिन 18 से ये बदल के कंडीशन बदल गई। तो अब ये जो कंडीशन जो आ रहा है, जो आपका बोर्ड के हिसाब से अगर ITI लागू हो गया, किस में, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में क्या क्या चेंज होंगे। तो सबसे पहले देखिए, 2 क्राइटेरिया होगी, एक 10th पे और दूसरा ITI पे। तो अब इससे क्या क्लियर हो गया, कम से कम 2 कट ऑफ अब नहीं होगा आगे आने वाले दिनों में, 10वीं का अलग, ITI का अलग। अब ITI वाले में जो कैंडिडेट है, तो 10वीं वाला बहुत ज़्यादा चला जाएगा और ITI वाला कम क्वालिफाई से थोड़ा ज़्यादा ऊपर में सिलेक्शन होने लगेगा। अब यहाँ क्वेश्चन है लोगों का कि ITI इतना छोटा तो है नहीं, ITI में 100+ अलग अलग ट्रेड है, किसी का डीजल मैकेनिक है, किसी का डीजल इलेक्ट्रिकल है, किसी का कुछ है, और यहाँ ब्रांच जो लिख रहा है उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल टेलीकॉम और सिविल इंजीनियरिंग। सिविल में जितने भी फीटर से रिलेटेड, मैकेनिकल में भी फीटर और मोल्डर टर्नर वाले, इलेक्ट्रिकल में भी सारे वो, और सिग्नल एंड टेलीकॉम में वो, और सिविल में थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लम्बर और ब्रिज वाले रिलेटेड जो भी ट्रेड रहता है वो भी सिविल में आ जाता है, और कारपेंटर वगैरह सब सिविल में आते हैं, बहुत सारे ट्रेड होता है। तो इन सब का क्या, सबको अलग अलग कट ऑफ आएगा? तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कट ऑफ आना है, सीधा सीधा आना है कि ITI और नॉन ITI दो ग्रुप बनेंगे। और दो ग्रुप में अगर ITI आपका किसी भी ट्रेड से हो, यहाँ पे डिफाइंड होगा कि ITI का क्या आएगा। अभी तक नोटिफिकेशन कभी आया ही नहीं है, तो उसके बारे में आप सर्तिया नहीं बता सकते कि ITI में क्राइटेरिया क्या होगा। लेकिन अगर ITI है तो 2 क्राइटेरिया आप मान के चलिए लगभग यही रहेगा। एक तो ITI के जैसे 10, 20 या 30 जो भी होंगे वो ट्रेड दे देगा, इन ट्रेडों में से आपने ITI किए हैं तो ये फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा, ऑल ITI कैंडिडेट, जितने भी ITI, चाहे आपने 1 साल का कोर्स किया है या 2 साल का किया है या कौन सा
डीजल मैकेनिक से किया है, टर्नर मेल्डर वेल्डर टर्नर मशीनिस्ट कुछ से भी किया है जो लगभग होंगे उसका अलाउ कर देगा। लेकिन इसमें अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, ऑल लिखने से तो बहुत सारा होता है आईटीआई, कुछ सिलाई का भी होता है, तो रेलवे ने सिलाई करके आईटीआई में आपको रेलवे में क्या दर्जी बनाएगा, तो मुश्किल है। तो चांसेस जो है ना इसकी जो 30-35-40 ट्रेड वाला है ना वो वाला ज़्यादा होने की चांसेस 90% है, और ऑल आईटीआई वाला ट्रेड 10% के आसपास है। तो मेरा अनुमान है कि अभी हमें हाइपर नहीं होना चाहिए, चाहे हमें हाइपोथेटिक आपको क्वेश्चन आंसर नहीं देना चाहिए कि क्या होगा कौन सा ट्रेड होगा, तो मेरा एक ही अनुमान है कि 90% वो होगा जो आपका नोटिफिकेशन में जहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा होगा। जैसे कोई भी आपने जाएंगे सब ट्रेड के सामने हो सकता है या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पोस्ट पैरामीटर लिखा हुआ होगा उसी के साथ आपको सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साथ से साथ चिपका दिया जाएगा, जिसे कैंडिडेट को भरते वक्त ये भरना होगा कि इन पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी ये होगी। जैसे हर स्टेट का अलग अलग आईटीआई है, हर स्टेट में अलग अलग लोग पढ़ने वाले हैं, तो एक वर्ष और दो वर्ष दोनों अलाउ होगा ये तो क्लियर है, लेकिन कौन सा ट्रेड अलाउ होगा कौन सा नहीं होगा उसके लिए आपको सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी मालूम होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि हर पोस्ट के सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया तो एक नया खेला शुरू होगा, टेक्नीशियन जैसा पोस्ट प्रायोरिटी। पोस्ट प्रायोरिटी करने का मतलब है कि रेलवे में 17 कैटेगरी है, उसमें से 3 से 4 कैटेगरी तो नॉन आईटीआई क्या चल जाएगा, जो बचे हुए 12 से 13 कैटेगरी है उनमें भी सिविल है तो सिविल के सारे ग्रुप, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के मोल्डर टर्नर फिटर मशीनी डीजल मैकेनिक सब ग्रुप, आपका एसएनटी है तो उसमें इलेक्ट्रिकल भी इलेक्ट्रॉनिक्स तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, और इलेक्ट्रिकल भी अलाउ होगा। तो इन सारों का अगर 4 से 5 ग्रुप बन जाएगा तो रेलवे में एक बार नया हिस्ट्री बनेगा, और जो बाबा लोग अभी बोल रहे हैं कि ऐसा एनालिसिस है सब एनालिसिस होगा फेल, और नया एनालिसिस ये होगा कि ग्रुप डी का सिंगल कटअप से छोड़ के 4-5 पोस्ट की ग्रुपिंग का अलग अलग कटअप आपको देखने को मिलेगा। ये पोस्ट प्रायोरिटी आईटीआई टेक्नीशियन जैसा हो सकता है, लेकिन इन सारे बदलाव के लिए भी मैं कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन आए पहली बार है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि नोटिफिकेशन पहले से बदला हुआ आएगा जब आईटीआई ट्रेड अलाउ होगा। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें।